अल्हम्दुलिल्लाह। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ मोहतरम जनाब आदिल अब्बासी साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान लिमिटेड अब्बासगढ़ पर सोसाई की, और जनाब अनवार अब्बासी साहब, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी आल पाकिस्तान लिमिटेड अब्बासगढ़ पर सोसाई, जिनकी दावत पर मुझे ये सआदत मिली कि मैं आज ऐसी शख्सियत के हवाले से इजहार ख्याल करूँ जिसे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मोहसिन पाकिस्तान का खिताब। उस शख्सियत के हवाले से बात करूँ जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, कायम है तुझसे अदब की रिवायतें ए यादगार सिफत इस्लाम सिंदाबाद, यानी सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। अलहाज सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने उस दौर में सऊदी अरब की मदद की जब अभी वहाँ तेल नहीं निकला था और दीगर ममालिक उस मुल्क की इस बुनियाद पर मदद किया करते थे कि वहाँ हमारा क़िबला व काबा मौजूद है, उस मुल्क में मदीनतुन नबी है जो दीगर ममालिक इमदाद दिया करते थे सऊदी अरब को, उसमें सबसे ज़्यादा इमदाद नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की तरफ से जाए। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जब हज करने गए तो अपने साथ गाड़ियाँ लेकर गए, कारें लेकर गए, जो इन्होंने वहाँ के शहजादों को और वहाँ के सुल्तान को, वहाँ के सरदार को, वहाँ के बादशाह को, वहाँ के शाह को तोहफे में दी। वापसी पर खाली हाथ आए, रहमतें बरकतें ज़रूर समेट करना है, लेकिन मालो मता सब उनके हवाले कर दिया। हर साल तामीराती कामों में, दीगर तरक्याती कामों में और माल इमदाद में इनका बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 24 मई 1966 को हमसे जुदा हुए, इस दारे फना से दारे बका की तरफ कूच कर गए। वो 30 सितंबर और 1904 को मौजूदा भागलपुर में पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी भावल खान अब्बासी पंजुम हज पर गए, जो उस वक्त 2 साल के थे। हज से वापसी पर अदन की बंदरगाह पर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 3 साल की उम्र में इनकी दस्तारबंदी की, यानी नवाब बहावल खान अब्बासी के बाद उनके साहबजादे सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो अभी सिर्फ 3 साल की उम्र में थे, इनकी दस्तारबंदी की गई कि इन्हें आगे मसनद नशीन किया जाएगा, इन्हें सरबराह बनाया जाएगा, और एक काउंसिल बना दी गई जिसमें बावलपुर स्टेट के लोग और इंग्रेज़ के लोग शामिल थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए इंडिया पर उस वक्त अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी ये, क्योंकि उन 602 आज़ाद रियासतों में शामिल थी जो इंडिया में मौजूद थी रियासतें, लेकिन ओवरऑल पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश का राज था। तो उन्हीं में से एक शख्सियत को सरबराह बनाया गया और बावलपुर में इनके जो रिश्तेदार अजीज अकारिब थे, एक काउंसिल बना दी गई जिसने 1924 तक इस सिलसिले को चलाया जब तक ये 20 साल के हो गए।
कि जब ये इनकी उम्र 8 मार्च 1924 को इस साल इनकी उम्र हुई तब इन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिए गए, जबकि इनकी मसनद नशीनी जब से शुरू हुई उसके बाद से और तादम जीस्त तादम यानी आखिरी दम तक इन्होंने जो किरदार अदा किया वो तारीख का सुनहरा बाग है। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की बहुत कुर्बानियां हैं, इनके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए तस्करे के लिए। तहरीक पाकिस्तान से लेकर तश्कील पाकिस्तान तक हर कदम पर उन्होंने साथ दिया। तहरीक पाकिस्तान अभी चल रही थी 1943 से 44 का साल था जब 55,000 पाउंड या 40 का साल 1946 था। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी वो अजीम शख्सियत है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बाबा कौम ने उन्हें मौसिन पाकिस्तान खिताब दिया था, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस मौसिन पाकिस्तान का तस्करा हमें किसी निसाब में नहीं मिलता। आज हमें सर आदम जी का नाम तो मिलता है कि उन्होंने बाबा कौम को ब्लैंक चेक पेश किए, लेकिन ये तस्करा नहीं मिलता निसाबी कुतुब के अंदर कि सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी उस वक्त उसकी मदद के लिए 55,000 पाउंड जो उन्हें लंदन में मिले थे वो उन्होंने एज इट इज बाबा कौम को दे दिए। इंग्लैंड के अंदर ही बाबा कौम भी मौजूद थे तहरीक पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के एक साल तक पूरी ब्यूरोक्रेसी की तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें नवाब और बहावलपुर देते रहे। एक मरतबा 2 करोड़ रुपये नकद और 22,000 टन गंदुम भी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने बाबा कौम के हवाले की पाकिस्तान के। एक मरतबा 10 करोड़ रुपये यानी अब आप अंदाजा लगाइए आज का करोड़ और उस वक्त के करोड़ में कितना फर्क होगा। आज का करोड़ उस वक्त का कम से कम अरबों का फर्क आया बस। बल्कि सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने बहुत ज़्यादा इस पाकिस्तान पर एहसान किए हमारे मुल्क पर, और वो कहा करते थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भी पाकिस्तान मौजूद था इस धरती पर, और वो पाकिस्तान था मेरी रियासत भावलपुर। और जब उन्हें नेहरू ने इस बात की ऑफर की कि आप पाकिस्तान में शामिल ना होना, आपका बैक डोर मेरी सल्तनत की तरफ खुलता है, इंडिया की तरफ खुलता है, तो आप मेरे साथ शामिल हो जाएं और ब्लैंक चेक पेश करता हूं मैं आपको, और आपको इस बात की जमानत भी देता हूं कि बहावलपुर की स्टेट को मैं बढ़ा दूंगा और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल कर दूंगा। लेकिन तारीख साफ जवाब दिया नवाब और बहावलपुर ने कहा कि नेहरू साहब मेरा सामने का दरवाज़ा पाकिस्तान की तरफ खुलता है और शरीफ लोग हमेशा सामने के दरवाजे से आया करते हैं, मुझे आपकी कोई पेशकश कबूल नहीं है, आपने तमाम पेशकशें ठुकरा दी और ये अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ इराक कर दिया। इराक पर बाबा कौम ने इनसे बात की तो 3 अक्टूबर 1955 को ये तय हो गया कि ये सल्तनत रियासत बहावलपुर पाकिस्तान में जम हो जाएगी, और 13 अक्टूबर 1955 को बाकायदा जम कर दिया। अपनी पूरी सल्तनत बाबा कौम के कहने पर पाकिस्तान में शामिल की, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि 3 अक्टूबर 1955 को उसमें बाकायदा से साइन हुए। लेकिन बाबा कौम की जो हिदायत थी और जो मुलाकात रही उनके साथ वो बाबा कौम की वफात से कबल, बल्कि इन बातों का आगाज़ प्री पार्टीशन ही हो चुका था और कायद आजम ने उनको कायद कर लिया था, उनको तैयार थे, जबकि उनको हर किस्म की लालच दी गई, उन्होंने तमाम चीज़ों को ठुकरा दिया और अपना सारा खजाना अपनी मुकम्मल सल्तनत सब कुछ इस पाकिस्तान को दिया। और हमने क्या किया, हमने क्या दिया? आज बहावलपुर के शहजादों का साहबजादगान का वहाँ के रहने वालों की क्या हालत, आज हम उसे उस सल्तनत को उस रियासत को जो इंडिया की बहुत बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी
जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई, आज हम उसको सूबा बनाने को तैयार नहीं है, उसको वो हैसियत देने को तैयार नहीं है जिसका जिसका उसे हक है। सरसाजी मोहम्मद खान अब्बासी के हवाले से मैं थोड़ा सा तस्करा करता चलूँ, वक्त की तंग दामनी माने हैं, नमाज का वक्त भी होने वाला है, उससे बात करने को तो बहुत भी चाहता है। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी एक मरतबा लंदन में मौजूद थे, जाद शशम की ताजपोशी हो रही थी, 602 रियासतें बरसगीर पाक हिंद में थी, इसमें से सिर्फ 6 रियासतों के जो सरबराहान थे उनको बुलवाया गया लंदन में। जब ये तकरीब मुनक़द हुई तो नवाब बहावलपुर कई भी होटल में वहाँ रह रहे थे और अपने लोगों को वहाँ मुकर्रर किया हुआ था कि मुझे देख कर बताओ कि 5वां अखबार का आखिरी बंदा वहाँ कौन आया है, जब कोई 5वां शख्स वहाँ हॉल में दाखिल हो तो मुझे फौरी इत्तला कर दी जाए ताकि फिर मैं आऊँ। जहाँ पर ये सेटअप लगा हुआ था, जहाँ पिंडाल सजा हुआ था, जहाँ जाट शशम की ताजपोशी की जा रही थी, 1937 की शादी बात है 1937 की, वहाँ पर सिस्टम ये था कि जब एक रियासत का हुक्मरान आता था तो दरबार के सारे लोग खड़े हो जाते थे इसका इस्तकबाल करने के लिए, ये एक रूल था बना हुआ था। फिर जब कोई दूसरा रियासत का सरबराह आता, उसका ऐलान होता, तो तब भी सारे लोग खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते। लेकिन सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की ये गैरत को गवारा नहीं था कि वो लोगों के लिए खड़े होते रहें और बैठते रहें। उन्होंने इसलिए ये इंतज़ाम करवाया, करीब के होटल में रहे और अपने अफराद को वहाँ मुकर्रर किया। उन्होंने इत्तला दी कि अब 4 सरबराहान आ चुके हैं, 5वां फर्द आएगा, उसके बाद आपका नंबर है। जब 5 अफराद जा चुके उसके बाद आखिरी ये थे, ये सबसे आखिर में उसमें शामिल हुए, दाखिल हुए पिंडाल के अंदर, तो सारे लोग इनके एजाज के लिए खड़े हो गए, ये किसी के लिए नहीं खड़े। एक बार दूसरी बार जो हालिबन उन्हीं दिनों की है जब ये लंदन में मुकीम थे उन दिनों, तो एक शोरूम पर ये सुबह ही सुबह वाक पर निकले, वाक पर निकलते हुए एक शोरूम में चले, वाक करते करते इन्होंने जो लिबास देखतन किया हुआ था वो नाइट ड्रेस था जिसमें लोग वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। ये जब लंदन की सड़कों में घूम रहे थे तो एक शोरूम इन्होंने देखा, उस वक्त दुनिया की जो कीमती तरीन गाड़ी थी रोल्स रॉयस, उसके शोरूम में चले। तो जैसे ये करीब पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनका इस्तकबाल नहीं किया और ये अंदर भी वहाँ करीब पहुँच के उन्होंने उनसे पूछा कि गाड़ियों की कीमत वगैरह क्या है, तो उन्होंने इनको आमतौर पर जिसे कहा जाता है मुँह नहीं लगाया, इनसे बात करना वगैरह नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम क्या खरीदोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम जाए वापस जाए। इनकी यानी बेइज्जती की तजी कामेज रवैया अपनाया, उनको मालूम नहीं था हम किससे बात कर रहे हैं। ये वापस आ गए और वापस पाकिस्तान आ गए, वापस आए अपने होटल में, होटल से अपना शाही लिबास पहना जो इनका नवाब का लिबास था, और वहाँ कहलवाया कि हम शोरूम का विजिट करना चाहते हैं, तो इनके रेड कारपेट बिछाया गया, वहाँ जो उनके ऑनर था, मालिक था, वो खुद वहाँ मौजूद था और इनका इस्तकबाल करके इनका इस्तकबाल किया और इनकी जो भी फरमाइश थी, जो बातचीत थी वो पूरी हुई और इन्होंने वहाँ गाड़ियाँ जितनी शोरूम में मौजूद थी उस वक्त 6 गाड़ियाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा ये सारी गाड़ियाँ मुझे दे दो तो चेक करके भिजवा देंगे। उन्होंने चेक काट कर उनको दिया और ये गाड़ियों को ऑर्डर दे के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में जब वो गाड़ियाँ पहुँची, मेरे दानिश में 6 है, मुमकिन है ज़्यादा भी हूँ, बहरा वो गाड़ियाँ जब भावलपुर आ गई, जैसे अभी कुछ देर कब इसाक अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे कि उनसे झाड़ू दिलवाने का काम लिया गया उन गाड़ियों से, तो वाकई फिर ऐसा हुआ कि उन गाड़ियों वो गाड़ियाँ वहाँ भावलपुर का जो बल्दियाती निज़ाम था उस निज़ाम के हवाले कर दिया, बल्दियाती अमले को वो गाड़ियाँ दी और कहा कि इसके आगे झाड़ू लगाएं और रोडों को साफ करवाएं। जब ये दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ भावलपुर स्टेट में सड़कों को साफ कर रही थी, तो इसकी जब वीडियोज़ बनकर और इसकी तस्वीरें बनकर पूरी दुनिया में फैली तो वो परेशान हो गए और वहाँ के जो मालिकान थे उन्होंने इनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि सर आप ऐसा हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ियों से आप ऐसा, हमारी गाड़ियों के जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो फिर
नवाब साहब ने बताया कि मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि कोई इंसान हकीर नहीं होता, वो नाइट लिबास में आ जाए, एक फकीर भी आ जाए उसकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए। मैं जब सुबह के वक्त आया था तो आपके लोगों ने मेरा एहतराम नहीं किया और मुझे बाहर भगा दिया था। ये मैं आप लोगों को सबक देना चाहता था। जब मैं शाही लिबास में आया, आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरा एहतराम किया। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को अल्लामा इकबाल से भी बड़ी मोहब्बत थी, अल्लामा इकबाल को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। और हद तो ये कि 1928 में अल्लामा इकबाल को बाकायदा उन्होंने इंगेज किया कि आप हमारे स्टेट के वकील हैं और 1000 रुपये सालाना पर, उस वक्त 1000 आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं 3000 की क्या वैल्यू थी। और अल्लामा इकबाल के कहने पर, हमने इतना वक्त नहीं है आप लोगों के पास भी, मेरे पास भी, मैं तो बहुत बात कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी नमाज का वक्त भी होने वाला है, अल्लामा इकबाल के कहने पर जितने भी इदारे हैं पंजाब के और बरसगीर में, बहुत सारे इदारों की आपने और अंजुमन हिमायत इस्लाम जैसे इदारों की भी आपने माली मदद की और मुस्तकिल की, सालाना और माहाना फंडिंग करते थे, बहुत सारे इदारों को बनवाया जिस कुछ पंजाब में मौजूद है बड़े बड़े मुर्शद सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब ने, अल्लामा इकबाल के कहने पर भी, और खुद क्योंकि खुद जेनरस आदमी थे, अच्छे इंसान थे, और हमारी जो बरसगीर पापन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर भी रहे, इन पर चांसलर भी रखा गया, इन्होंने उस यूनिवर्सिटी की भी मदद की। इसी तरह जब पाकिस्तान बन रहा था और महाजरीन लुटे पटे वहाँ से आ रहे थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो लाखों महाजरीन को अपने इलाकों में आबाद किया, उनकी मदद की हर तरह से, हर लिहाज से, हर एतबार से। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, बातें करने को बहुत सारी हैं, कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और अब्बासी बिरादरी नहीं बल्कि तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर आवाज़ उठाएं। वो सिर्फ अब्बासी होने के नाते से तो अब्बासी तो थे, लेकिन वो एक इंसान थे, अजीम इंसान थे, वो मोहसिन पाकिस्तान थे। और इसलिए भी आप मोहसिन पाकिस्तान को मानोगे कि बाबा कौम ने उनको खुद खिताब दिया था, उन्होंने अपने दोनों महल यहाँ अशम्स अलकमर जो मलीर के अंदर मौजूद थे उनके दरमियान की 1200 एकड़ ज़मीन और जो भी कुछ था वो सब बाबा कौम को मोहतरम फातिमा जिना खोश पाकिस्तान इनायत किया। बाबा कौम जिस बग्घी में और फिर जिस गाड़ी में कार में बैठ कर गए हलफ उठाने के लिए, वो भी बाबा कौम जी को गिफ्ट कर दी। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हवाले से कहने के लिए, लेकिन बहरहाल मेरी आपसे, तमाम नाजरीन से, तमाम दोस्तों से, अहबाब से ये दरख्वास्त है कि इस बात का मुतालबा किया जाए कि इस मौसम पाकिस्तान को निसाब में शामिल करें, ताकि हमारी नस्ल नौ को पता चले कि इस पाकिस्तान में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का भी एक अहम किरदार था। हमें फ़ख्र इस बात पर, और खास ये बात मैं खासतौर पर अब्बासियों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस पर फ़ख्र तो करना चाहिए, जो वजह तौर पर अब्बासी खानदान से उनका ताल्लुक था और वो उनको बाबा कौम ने मौसिन पाकिस्तान का दिया। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर कोई एक ऐसी खूबी है जो उस शख्स में थी जिसे बाबा कौम ने मौसिन पाकिस्तान का इख्तार दिया। अगर नहीं है तो हमें पैदा करनी चाहिए। ठीक है, रियासत हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी तरह हम नेक इंसान बन सकते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों की अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने इस्तेदार के मुताबिक लोगों की खिदमत को कर सकते हैं इस मुल्क और मिल्लत के लिए। अपनी जिस हद तक मुमकिन हो अपनी तरफ से इशार कुर्बानी का मुजाहरा कर सकते हैं। काफिर और दामा अलहमदिल्ला।